फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि ये HS18 फ्रॉम iClever इज नॉट एन ऑडियो फाइल ग्रेड हेडफोन, ठीक है ना। सो डू नॉट कंपेयर इट अगेंस्ट योर सेनहाइजर्स एंड ऑडियो टेक्निकास। ये 1100 रुपए की सुपर बजट कैटेगरी है जो आपको अच्छा खासा म्यूजिक, मूवीज और एक गेमिंग एक्सपीरियंस दे सकते हैं एक सुपर बजट में 1100 रुपए में। और मैं इसको यूज कर रहा हूँ एंड ट्रस्ट मी दीज हेडफोन्स आर लिटरली वेरी गुड फॉर द प्राइस दे आर सेलिंग एट। वेलकम बैक गाइस। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि आई हैव प्लान्ड कि मैं जो बजट कैटेगरी के हेडफोन्स उनको रिव्यू करूंगा। सो टुडे आई हैव HS18 फ्रॉम iClever और कुछ इस टाइप का इसका बॉक्स है जो कि ये है इसका बॉक्स। वेरी क्यूट बॉक्स और बहुत ही ज़्यादा हैंडी है बिकॉज द हेडफोन इज फोल्डेबल एंड सो इट इज़ वेरी मच पोर्टेबल। तो अगर मैं बात करता हूँ अंडर 2000 रुपीज़ की कैटेगरी में तो और भी सस्ता है। ये 1500 रुपये के अंदर है आपका, ये आपको मिलता है 1100 रुपये में, ठीक है ना। और इससे पहले मैंने बोट के बेस हेड्स रिव्यू किए थे, आपने देखा होगा 950 V2। अगर आपने रिव्यू नहीं देखा तो आप देख सकते हैं एंड दैट वॉज मैंशनड एज बेस हेड्स बट आई वॉज रियली डिसअपॉइंटेड विद द बेस दे हैव एक्चुअली। और यहाँ पे है iClever HS18 और ये कुछ इस टाइप की पैकेजिंग है इसकी। सही बताऊँ तो पैकेट मेरे को बहुत अच्छा लगा because a very small box and the best part about this box is that at least they have mentioned specification at the back of it. तो यहाँ पे आपको impedance मिलता है 32 ohm का, यहाँ पे 20 to 20 kHz का आपको मिलता है frequency response, then इसकी जो input power है max input power and that is 5 mW। तो guys obviously you do not need any kind of headphone amplifier to drive these headphones, आपके किसी भी mobile से चल जाएगा, आपके चाहे tablets हो, PCs हो, एनीथिंग। जब आप बॉक्स को ओपन करते हैं आपको बहुत ज़्यादा फैंसी कुछ नहीं मिलता है इसके अंदर। द हेडफोन इटसेल्फ एक पॉली बैग में एंड देन यू हैव अ वेरी स्मॉल पेपर जिसमें मेंशन है इसका रिमोट कंट्रोल आपको कैसे यूज़ करना है। तो पैकेजिंग और कंटेंट के बाद हम एक्चुअल बात कर लेते हैं हेडफोन की। तो ये है मेरे पास हेडफोन iClever, ठीक है ना। एंड आप यहाँ देख सकते हैं द बेस्ट पार्ट आई लाइक अबाउट इट इज द फोल्डेबिलिटी ऑफ दीज हेडफोन्स। बहुत ही आसानी से फोल्ड हो जाता है, टैक्टाइल फीडबैक मिलता है जब ये फोल्ड होते हैं एंड सेकंडली बहुत ज़्यादा पोर्टेबल है एंड यू कैन कीप इट इनसाइड योर बैग। बैग में बहुत ही छोटे से कॉर्नर में स्पेस लेगा, आप इसको कहीं भी ले जा सकते हो, दिस इज़ वेरी मच पोर्टेबल। और अगर मैं बात करता हूँ इसके बिल्ड क्वालिटी की तो 1100 रुपए के हिसाब से दिस इज़ टॉप नॉच। सीरियसली द फिनिश इज़ रियली गुड, द डिज़ाइन इज़ रियली अप मार्केट एंड द फिनिश इज़ ऑल्सो वेरी अप मार्केट अगर मैं प्राइस पॉइंट कंसीडर करता हूँ 1100 रुपीज़ का। तो यहाँ पे अगर मैं इसके ईयर कप्स की बात करता हूँ तो ईयर कप्स आई विल कंसीडर दीज बिटवीन ऑन द ईयर एंड ओवर द ईयर। इनका जो इनर डायमीटर है आसानी से एक एडल्ट कान साइज आसानी से ऑक्यूपाई कर लेगा। आप देख सकते हैं टॉप में जो ईयर कप की जो फिनिश है बीच में इट्स नॉट मेटल, बट ये आपको देखने में लगेगा कि फर्स्ट टाइम ये मेटल है। दीज आर प्लास्टिक, दोनों तरफ यहाँ पे प्लास्टिक यूज हुआ है, द शाइनिंग प्लास्टिक बट लुक्स रियली इंडस्ट्रियल, लुक्स वेरी गुड। तो ओवरऑल डिजाइन की मैं बात बताता हूँ तो बिल्कुल भी आपको देखने में ऐसा नहीं लगेगा ये चंकी फंकी टाइप, द डिजाइन इज रियली सीरियस। एंड अगर मैं ईयर पैड्स की बात करता हूँ तो दीज आर वेरी प्लशी, कुशन काफी अच्छा है एंड ओवर द टाइम ऑब्वियसली बात है जितने भी ईयर पैड्स होते हैं वो थोड़े वियर आउट होते हैं, ठीक है, इसका भी होगा। एंड द केबल इज नॉन डिटैचेबल, को 1.2 मीटर की केबल मिलती है एंड साथ में यहाँ पे आपको एक रिमोट मिलता है जिससे कि आप कॉल अटेंड कर सकते हैं, डिस्कनेक्ट कर सकते हैं एंड साथ में अपने जो म्यूजिक है उसको भी प्ले पॉज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे ब्लैक और रेड कलर का जो कॉम्बिनेशन है बहुत सही लगता है देखने में। तो अगर मैं यहाँ बात कर लेता हूँ इनके हेडबैंड की तो मेरे को काफी सही लगा बिकॉज यहाँ पे आप बॉटम में कुशनिंग देखेंगे, काफी अच्छी कुशनिंग दी हुई है एंड सेकंडली थोड़ा बहुत क्लैम्पिंग फोर्स आपको मिलेगा, ठीक है। क्लैम्प फोर्स एक्चुअल में शुरू में हर हेडफोन में होता है एंड ओवर द टाइम वो थोड़ा लूजन अप होता है। सेकंडली ये रिट्रैक्टेबल जो है हेडबैंड यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप अपने ऑब्वियसली हेड साइज के अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हैं। सेम रिट्रैक्टेबल हेडबैंड जो था आपके जो बोट के बेस हेड्स है जो मैंने रिव्यू किया था उनमें भी था, बट प्लास्टिक यूज वॉज रियली फ्लिमजी जैसे मैंने आपको बताया था। बट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों तरफ यहाँ प्लास्टिक यूज हुआ है, बट यहाँ पे आप टॉप में देखेंगे यहाँ पे मेटल का यूज हुआ है, ठीक है ना, फॉर द रीइंफोर्समेंट। तो यहाँ पे ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे जो रिट्रैक्टेबल मैकेनिज्म है हेडबैंड को थोड़ी बहुत एक सॉलिडिटी देता है जस्ट बिकॉज ऑफ द मेटल यूज हियर। तो ये मेरे को बहुत ही अच्छा पार्ट लगा एंड सेकेंड मेरे को अच्छा पार्ट लगा जो यहाँ पे इनका जो फोल्डिंग नेचर है, क्यों ना इससे कंपेयर किया जाए। और ये है बोट का बेस हेड 950 V2 जो मैंने अभी इससे पहले वाले वीडियो में रिव्यू किया था, आप देख सकते हैं उसको, ठीक है ना। जब मैं दोनों को उठाता हूं तो iClever में एक बहुत ही अच्छी कॉन्फिडेंस की फीलिंग आती है, ठीक है, बिकॉज दिस सीम्स रियली स्ट्रांग। ऑब्वियसली द बिल्ड क्वालिटी इज फार फार बेटर इन iClever देन बोट वंस। अब हम आते हैं एक लास्ट पॉइंट पे जो कि इनकी साउंड क्वालिटी। तो जैसे मैं आपको बताता हूँ कि सबसे फर्स्ट सरप्राइज मेरे को तब मिला जब फर्स्ट टाइम आई रिसीव दीज हेडफोन्स, द डिजाइन, द बिल्ड क्वालिटी फॉर द प्राइस ऑफ 1100 रुपीज ओनली मेरे को बहुत सही लगी। नाउ लेट्स कम टू द साउंड क्वालिटी। और मेरे को दूसरा सरप्राइज मिला जब मैंने इनको सुना, सब बेस रीजन इज रियली गुड इन दीज हेडफोन्स और लिटरली आई फेल्ट इट बिकॉज देर इज नो डिस्टॉर्शन इन द बेस इज नॉट टियरिंग अप, दीज आर अ लिटिल बिट बेस फॉरवर्ड हेडफोन्स। मिड सेक्शन काफी सही लगा मेरे को, मिड सेक्शन अगर मैं बताता हूँ कि जो वोकल्स थे एंड इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन ऑलमोस्ट अबव द सेटिस्फैक्ट्री लेवल एंड वोकल्स आर क्वाइट सॉफ्ट, मेलोनेस थी वोकल्स में
कभी मेरे को ऐसा नहीं लग रहा था कि यार वोकल्स थोड़े डिस्टॉर्ट हो रहे हैं या फ्रीक्वेंसी एक दूसरे पे ओवरलैप कर रही है, जस्ट इन द केस ऑफ बोट बेस हेड 950V2 जिनका मैंने पहले रिव्यू किया था इन दीज हेडफोन्स। इन हेडफोन्स से मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ एंड अ लिटिल बिट रिसेस्ड इन द अपर मिड्स एंड द हाई रीजन थोड़े बहुत, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया कि इनने कहीं मेंशन नहीं किया कि दीज आर बेस हेड्स और जैसे सोनी की सीरीज आती है एक्स्ट्रा बेस, वैसा कुछ मेंशन नहीं किया, बट दीज आर लिटिल बिट बेस फॉरवर्ड हेडफोन्स। तो तब भी मेरे को ये काफी सही लगे बिकॉज फॉर द कैजुअल लिसनिंग, ठीक है ना, आपको सुनना है। सो लिटिल बिट रिसिस्ट इन द अपर मिड सेक्शन, लिटिल बिट रिसिस्ट इन द हायर सेक्शन हाई फ्रिक्वेंसी रेंज में, आपको वो दैट मच स्पार्कल नहीं मिलेगा बट स्टिल यू विल फील येस कि हाँ आपको एक हाई फ्रिक्वेंसी का एक अच्छा खासा मजा आ रहा है। यू कैन ऑलवेज एक्सटेंड दैम, ठीक है, वहाँ पर फ्रिक्वेंसी को एक्सटेंड कर सकते हो बाई यूजिंग एनी इक्वलाइजर इन योर एंड्रॉइड फोन iOS और PC, ठीक है, तो वहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। फॉर द कैजुअल लिसनिंग फॉर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज तो मैं कहूँगा कि यार आप इसको बिल्कुल ले सकते हो। जब मैंने इसको इक्वलाइज किया, आई मीन दीज आर रियली वंडरफुल फॉर कैजुअल लिसनिंग, दीज आर बेस्ट 1100 रुपए के प्राइस में, ठीक है, प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो इज हेयर, दीज आर वैल्यू फॉर मनी, दीज आर नॉट सीरियस हेडफोन्स कि यार आपको क्या बोलते हैं मॉनिटरिंग करनी है, ठीक है, स्टूडियो में बैठना है या आपको म्यूजिक प्रोडक्शन करना है, दीज आर नॉट फॉर दोज पर्पज, ठीक है ना। एंड फॉर दैट रीजन वी हैव द हेडफोन्स जो कि इंक्लाइंड होते हैं बेस रीजन में, जो कि इंक्लाइंड होते हैं ट्रिबल रीजन में, ठीक है ना, तो दीज आर लिटिल बिट फॉरवर्ड इन द बेस रीजन, तो ऑलमोस्ट वेरी रिकमेंडेड हेडफोन गाइज। तो इट्स अप टू यू नाउ कि आपको परचेस करना है कि नहीं करना है, मेरी तरफ से तो श्योरली आई रिकमेंडेड। सो गाइज दिस इज दिनेश, आई एम साइनिंग ऑफ, आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो विद सम अनदर ऑडियो गियर, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, एंड नेक्स्ट मेरे पास है वन ऑडियो, आई विल रिव्यू इट फॉर श्योर।